तो यहाँ पर तो हक से ज़्यादा ही ड्रिप स्टोन मिली है हमको। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना मिलेगी, तो इनको तोड़ते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों को एक नई माइनक्राफ्ट का वीडियो में। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को याद होगा कि हमने बनाया था एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म। इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड आज हम लोग बनाएंगे ड्रिप स्टोन फार्म। ड्रिप स्टोन से हम लोग जो पॉइंटेड ड्रिप स्टोन मिलेगी उससे हम लोग लावा का फार्म बना सकते हैं, अनलिमिटेड लावा, जिससे हमारा फ्यूल का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर मिट्टी का हालत आप लोग देख सकते हो कि मैं डर्ट लगा लगा के फिक्स किया। आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ। एक वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चीजल ब्रिक स्टोन लेंगे एक, आपका मर्जी, आप जो अच्छे लगे उस स्टोन यूज़ कर सकते हो। एंड इस चीजल ब्रिक स्टोन का एक 8x8 का एक हम लोग को फ्रेम बनाना होगा। तो यहाँ पर हमारा फ्रेम रेडी है, एंड उसके बाद हमको किसी फालतू ब्लॉक्स या टेम्पररी ब्लॉक्स लेना होगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़े से वुड्स है, तो इससे हम लोग काम चला लेते हैं। एंड इससे हमको 4 हाइट तक जाना होगा, तो थोड़ा सा वुड और ले लेते हैं। एंड हम लोग आगे 4 हाइट पे, एंड यहाँ पर जो नीचे, जैसे हम लोग चिजल ब्रिक स्टोन का एक लेयर बनाया था फ्रेम, उसी हिसाब से हमको यहाँ पर भी 8x8 का फ्रेम बनाना होगा। तो यहाँ पर इन फालतू ब्लॉक्स जो जो हम लोग लगाया था उसको हटाते हैं, एंड यहाँ पर लगाते हैं चिजल ब्रिक स्टोन। एंड ऊपर का जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद हमको लेना होगा ड्रिप स्टोन, एंड उसको जो चिजल ब्रिक स्टोन का लेयर था उसके ठीक नीचे, इन पूरा का पूरा लेयर का नीचे हमको लगाना होगा एक ब्लॉक की गैप पे। तो यहाँ पर हमारा नीचे का ड्रिप स्टोन कंप्लीट हो गया है। आप लोग ऐसे ही ड्रिप स्टोन लगाना होगा। एंड उसके बाद हमको ऊपर जाना होगा, तो वाटर बकेट ट्रिक से हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा स्टाइल दिखाते हैं। एंड यहाँ पर वाटर बकेट से हम लोग ऊपर आया, इन वाटर को पहले कलेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद हमको यहाँ पर ऊपर में पूरा का पूरा वाटर का एक नदी बनाना होगा। एंड यहाँ पर 2 बकेट ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि इससे ही हम लोग अनलिमिटेड सोर्स बना बना के 20 से पानी उठाते हैं एंड पूरा का पूरा वाटर फिल करते हैं। तो इस पार तो हो गया है, यहाँ पर भी अबे क्या गलत लग गया। हाँ, तो यहाँ पर भी हमको एक एक ब्लॉक की गैप में वाटर डालना होगा। तो एप देख सकते हो पूरा का पूरा पानी यहाँ पर स्टील हो गया। इसकी मतलब हमारा ये ऊपर का काम ख़त्म हो गया। अब नीचे चलते हैं। दिन हमारा काम है जो जो हम लोग ऊपर में ड्रिप स्टोन लगाया था उसका नीचे में हम लोग जितना हो सकते हैं पॉइंटेड ड्रिप स्टोन लगाना होगा। देन हमारा काम है कि हमको जो कॉर्नर वाला साइड है वहाँ पर हमको चारों कॉर्नर पे 4 बकेट्स ऑफ वाटर डाल देना होगा, एंड ताकि जब हम लोग ऊपर से ड्रिप स्टोन को तोड़ते हैं एंड वो जब गिरते हैं तो वो इन वाटर के थ्रू एकदम मिडल पे चला जाए, एंड मिडल पे हम लोग चेस्ट का सेटअप कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमारा ड्रिप स्टोन फार्म का 80% काम हो गया। एंड फिलहाल रात हो रही है, एंड बीच भिखारी की दल चला आया। सब कुछ खाने को दो ना सब। अबे तू मार खा मर। हाँ, अबे यहाँ पर से तो बहुत सारा भिखारी आ गया है, इनको मारने लगा तो मेरा जिंदगी बीत जाएगा। तो हम लोग पहले जाके सो लेते हैं, वहाँ पर देखो उनका पूरा आर्मी आ रहा है, तो सोने चलते हैं पहले। तो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर सुबह हो गया एंड बारिश भी फिलहाल बंद हो गया। एंड अब यहाँ पर से हम लोग निकलते हैं, हमारा ड्रिप स्टोन फार्म पे चलते हैं। अबे नीचे से सब्जी वाला चीख रहा है, मैं देख नहीं रहा, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो वो देखो जल के कैसे मर रहा है इन भिखारी वाला। जल रहा है लेकिन फिर भी मुझे मारना है, आजा मार ले। एक एक्स का भी जान नहीं है, मुझे मारने चला था। तो हम लोग हमारा काम पे फोकस करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग मिडल पे 2 डबल चेस रख देते हैं, एंड उसके बाद हॉपर लेते हैं एंड चेस से कनेक्ट कर देते हैं। एंड नीचे आके हम लोग हमारा कलेक्ट करने के एक जगह बनाते हैं। देन हमारा आखिरी काम यह है कि हमको चारों तरफ से 4 पिलर लगाना होगा, एंड हमारा काम कंप्लीट। देन हमको सिर्फ वेट करना होगा कि कब ड्रिप स्टोन बड़े हो एंड हम उसको तोड़े।
तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर घंटों तक वेट किया है ताकि ड्रिपस्टोन ग्रो हो जाए। इसी बात में आप लोग दोबारा से वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, यहाँ पर अब हम लोग करने जा रहे हैं ड्रिपस्टोन का फार्मिंग का क्या शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पिकैक्स लेते हैं हम लोग एंड ड्रिपस्टोन तोड़ना चालू करते हैं। एंड यहाँ पर से हम लोग ड्रिपस्टोन का नीचे वाला हिस्सा तोड़ेंगे ताकि ऊपर वाले हिस्सा फिर से ग्रो होके हो जाए एंड बड़े हो जाए। तो नीचे हम लोग चेस्ट भी चेक करते हैं एंड यहाँ पर हमको 27 ड्रिपस्टोन मिली है। तो यहाँ इस ड्रिपस्टोन का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है क्योंकि 10-20 मिनट पे 27 मीन्स एक घंटे में तो ये 60-70 ड्रिपस्टोन दे देती है। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही एंड हम लोग अगली एपिसोड में बनाएंगे लावा का फार्म। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो आप लोग करोगे वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दोगे आप लोग सब्सक्राइब। एंड मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।